हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और हम देख रहे हैं क्लास सेवन्थ की ज्योग्राफी। इसमें ये चैप्टर हमारा जो चैप्टर थ्री है, अवर चेंजिंग अर्थ, ये हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। आज एक टॉपिक जो मैंने पहले बताया था कि मैं इसको ज़रूर कराऊंगा, हालांकि अपनी एनसीईआरटी में तो नहीं है, मगर हमें ज्योग्राफी समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक का नाम है कॉन्टीनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, तो समझेंगे कॉन्टीनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मतलब बेसिक है बहुत ज़्यादा। जो आप अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, ज्योग्राफी फ्यूचर में भी पढ़ोगे, 8th 9th 10th 11th जब भी पढ़ोगे, तो ये बहुत ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, तो कॉन्टीनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में देखेंगे। यहाँ पे आप चार इमेज देख रहे हो, 1 2 3 4, तो यहाँ पर दिखा रखा है पहले पहले पार्ट में कि पहले क्या था, स्टार्टिंग में अर्थ के बारे में बताया। देखो, ये कॉन्टीनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एक्चुअली है किससे संबंधित, ये है हमारी पृथ्वी से संबंधित। ठीक है, आज की डेट में आपको पता है हमारे 7 कॉन्टीनेंट्स हैं। ठीक है, मगर बहुत साल पहले, लगभग 225 मिलियन ईयर एगो, ऐसा नहीं था। पहले ये जो 7 के 7 कॉन्टीनेंट थे जो आज की डेट में, ये सिर्फ एक ही कॉन्टीनेंट था जिसको सुपर कॉन्टीनेंट कहते थे, और इसका नाम था पेंजिया। ध्यान दो, पहले स्टार्टिंग में, आज की डेट में जो 7 मेजर जो कॉन्टीनेंट्स हैं, जो हम जिनको पढ़ते हैं अपने बुक्स में, ये 7 कॉन्टीनेंट पहले अलग अलग ना होकर सिर्फ एक ही जमीन का हिस्सा हुआ करते थे, और उस बड़े लैंडमार्क का नाम था पेंजिया। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लगभग 150 मिलियन ईयर्स एगो, ये जो पेंजिया 2 भागों में ब्रेक हो गया। ऊपर वाला, नॉर्थ वाला जो पार्ट था उसको लोरेशिया बोलते थे, और साउथ वाला जो पार्ट था गोंडवाना बोलते थे, और इनके बीच में जो ओशियन था ना उसको बोलते थे टैथिस ओशियन। ध्यान दो, मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स एक ही बड़े कॉन्टिनेंट का हिस्सा था जिसको सुपर कॉन्टिनेंट पेंथालासा बोलते थे, और चारों तरफ पानी पानी जो था उसको पेंजिया बोलते थे, और चारों तरफ जो पानी पानी था उसको हम बोलते थे पेंथालासा। दोबारा मैं बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में अर्थ में ऐसा माना जाता है, जो अर्थ है हमारी लगभग 225 मिलियन ईयर्स एगो, कि जो लार्ज लैंडमार्क था उसको तो हम बोलते थे पेंजिया, और उसके चारों तरफ जो पानी पानी था उसको बोलते थे पेंथालासा। फिर क्या हुआ, अर्थ में मूवमेंट आपको पता ही है, चलते ही रहते हैं, तो ये पार्ट 2 भागों में डिवाइड हो गया। पेंजिया वाला पार्ट है, नॉर्थ वाले पार्ट को लोरेशिया बोलते हैं, और साउथ वाले पार्ट को गोंडवाना बोलते हैं। और ध्यान देना, जो इंडिया है ना, इंडिया वो इसी गोंडवाना प्लेट, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ध्यान देना, इंडिया जो है इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट है, क्योंकि इसमें से एक प्लेट निकल के ऊपर की तरफ मूव करती है नॉर्थ की तरफ, और वो जाके टकराती है यूरेशिया से, और जब जाके वो वहाँ पे हिमालय का भी निर्माण होता है। तो ये हम बाकी आगे की क्लासेस में देखेंगे, पर फिलहाल इतना ध्यान दो कि पेंजिया 2 भागों में डिवाइड हुआ, लोरेशिया और गोंडवाना, और बीच में जो ओशियन था उसको बोलते थे टैथिस ओशियन। ठीक है, अच्छा, फिर और लगभग बहुत सालों बाद, लगभग 100 मिलियन ईयर्स एगो, ये जो लोरेशिया था ये कई सारे पार्ट्स में ब्रेक हो गया, एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, और जो गोंडवाना था ये ब्रेक हो गया साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। देख रहे हो, तो ये जो इंडिया है किस में से निकल के आया, गोंडवाना लैंड में से। अब ये इंडिया क्या है, ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा, देखो ये ऊपर पहुंच गया, यहां से ये ट्रेवल करेगा इधर की तरफ, और ये टकराएगा किससे, यूरेशिया वाली प्लेट से, और टकरा के फिर यहां पर हिमालय का निर्माण करता है। तो ध्यान दो, पहला फेज पेंजिया, चारों तरफ जो पानी पानी था उसको पेंथालासा बोलते थे, फिर पेंजिया 2 भागों में ब्रेक हुआ, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड, और बीच में ओशन था उसको टैथिस ओशन बोलते थे, फिर लोरेशिया 3 पार्ट्स में, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, और यूरोप और एशिया को कम्बाइंडली हम कहते हैं यूरेशिया, और गोंडवाना जो था ये 4 पाँच में डिवाइड हो गया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, और फिर फर्दर और डिवाइड होकर, आगे और डिवाइड होकर यूरोप और एशिया अलग हो गए, नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे, साउथ अमेरिका यहाँ पे, और अफ्रीका, इंडिया यहाँ पे पहुँच गया ऊपर की तरफ, एशिया की तरफ, यहाँ पे अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया इधर की तरफ चला गया। मतलब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ड्रिफ्ट मतलब एक दूसरे से अलग अलग जा रहे हैं, इसीलिए तो इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कि मतलब कॉन्टिनेंट्स कभी भी एक जगह पर नहीं रहते, हो सकता है अगले कुछ लाखों करोड़ों सालों बाद कुछ और नज़ारा बन जाए। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यही कहती है कि जो कॉन्टिनेंट से कभी भी स्टेबल नहीं रहते, इनमें छोटी हल्की 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 मोशन होती रहती है, जिसकी वजह से नए नए लैंडफॉर्म्स बनते रहते हैं। तो यही है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे अल्फ्रेड वैगनर। इन्होंने इस थ्योरी को 1912 में दिया था। ठीक है, और इनके अनुसार वही चीज़ जो मैंने बताई उसको अभी एक बार मैं लैंग्वेज ग्रुप में बता देता हूँ। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इट वॉज गिवन
बाई अल्फ्रेड वेगनर 1912 AD में इसको दिया गया था। और ये बताते हैं कि हमारी जो पृथ्वी हमेशा एक जैसी पोजिशन में नहीं रहती है, लगभग 250 मिलियन ईयर्स है को ऑल दी कॉन्टिनेंट्स वर ज्वाइन टुगेदर एज ए सुपर कॉन्टिनेंट नोन एज पेंजिया। मैंने बताया था ना, लगभग 250 मिलियन ईयर्स है को 250 मिलियन ईयर्स है को सारे के सारे कॉन्टिनेंट ज्वाइन होके उन्होंने एक सुपर कॉन्टिनेंट का रूप ले रखा था जिसको हम बोलते थे पेंजिया। यही पेंजिया कि चारों तरफ जो ओशन था, ह्यूज ओशन, उसको हम बोलते थे पेंथालासा। मगर क्या हुआ, समय के साथ साथ ये पेंजिया ब्रेक होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पहले 250 मिलियन ईयर्स है वो क्या था कि जमीन का जो लार्ज लैंड मास था उसको तो बोलते थे पेंजिया, और चारों तरफ जो पानी पानी था उसको बोलते थे पेंथालासा। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें ब्रेक होगा और ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे लॉरेशिया और नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे गोंडवाना, और बीच में जो ओशन था उसको हम बोलेंगे टैथिस सी या टैथिस ओशियन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी विच वॉज गिवन बाई साइंटिस्ट जियो साइंटिस्ट अल्फ्रेड वेगनर, द सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया बिगेन टू ब्रेक अप अबाउट 200 से 225 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब 200 से 225 मिलियन ईयर्स एगो। इतने साल पहले क्या हुआ, जो पेंजिया था ये ब्रेक हो गया, और ब्रेक हो गया दो बड़े बड़े लैंडमास में डिवाइड हो जाता है। पहला लैंडमास था लॉरेशिया और दूसरा था गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो लॉरेशिया नॉर्थ में है और गोंडवाना लैंड साउथ में चला गया, और मतलब जो पेंजिया था वो ब्रेक हुआ, और ब्रेक कब हुआ था, 200 से 225 मिलियन ईयर्स एगो। ये जो दो कॉन्टिनेंट है ये फर्दर ब्रेक होते हैं, आगे और ब्रेक होते हैं, और ब्रेक होकर ये बनाते हैं आज के कॉन्टिनेंट। तो आज आपको पता है 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे। ठीक है, और ये जो है पहले किसका पार्ट था, ये सारे के सारे पहले पेंजिया का ही पार्ट हुआ करते थे। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये आज का दृश्य, पता नहीं अगले कुछ लाखों करोड़ों सालों बाद क्या कंडीशन हो, मगर ये यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, या कॉन्टिनेंटल जो प्लेट्स हैं या जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं या जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो ऑलवेज मोशन में रहती हैं, और मोशन में रहने की वजह से कुछ ना कुछ नए नए लैंडफॉर्म्स का निर्माण करते रहते हैं। ठीक है, अच्छा एक नया टॉपिक और देख लेते हैं, अर्थ क्रस्ट। हालांकि नया तो नहीं है, आपने पढ़ लिया, तो आपको पता ही है अर्थ क्रस्ट क्या होती है, जो अर्थ का अपर मोस्ट लेयर जो होती है उसको हम अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। और ये जो अर्थ क्रस्ट है कई सारी प्लेट्स में टूटी हुई है, जिन उन प्लेट्स को हम बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स या टेक्टोनिक प्लेट्स। तो हमारे यहाँ पे 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं और कुछ माइनर प्लेट्स हैं, मेजर मतलब बड़ी बड़ी। तो 7 कौन कौन सी मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, पहली अफ्रीकन प्लेट, ये हो गई आपकी अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ये पूरी की पूरी होगी यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, ये वाली होगी अंटार्कटिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो यहाँ पे ये वाली होगा पूरा हिस्सा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और पैसिफिक प्लेट ये वाली होगी आपकी पैसिफिक प्लेट। तो ये 7 जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं इनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम से भी जानते हैं, और ये हैं 7 मेजर प्लेट्स, और ये किसका पार्ट है, ये है लिथोस्फेयर का ही पार्ट है। ठीक है, और ये पहले सारी की सारी जो जितनी भी प्लेट थी सारी की सारी किसका पार्ट हुआ करती थी, पेंजिया का पार्ट हुआ करती थी। तो आज हमने यही देखा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यही है, ये कहती है कि जो हमारा पहले जो आज की डेट में जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये आज की डेट में जैसे हैं वैसे पहले नहीं थे, पहले एक ही लैंडमास का पार्ट थे जिसको हम पेंजिया बोलते थे, और उसमें फिर ब्रेकअप हुआ लॉरेशिया और गोंडवाना, फिर फर्दर ब्रेकअप हुए तो आज के कॉन्टिनेंट्स मिल गए। ठीक है, आज के कॉन्टिनेंट्स बन गए। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं इनमें हमेशा क्या रहती है, मोशन रहती है, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं ये हमेशा मोशन में रहती हैं और नए नए लैंडफॉर्म्स का निर्माण करती रहती हैं, बस इतना ध्यान रखना है। यही है हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लक्की एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको हमारे स्टडी मटेरियल एज वेल एज जितने भी वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।